और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, उत्तराखंड से यूसीसी रिपोर्ट जारी की गई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, www.ucc.uk.gov.in इस पर रिपोर्ट देखी जा सकती है। नियमावली और क्रियान्वयन समिति की जानकारी इस रिपोर्ट में है। चार खंडों में है उत्तराखंड यूसीसी की रिपोर्ट, जिसका वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 3 जिसे सार्वजनिक किया गया है। यूसीसी को लेकर सरकार अब पूरे तरीके से तैयार है और अक्टूबर नवंबर तक सरकार की तैयारी है यूसीसी लागू करने की, और इसके साथ ही उत्तराखंड भी इस लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिन राज्यों में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। तो उसको लेकर बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार की जा रही थी और अब उस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया गया है। उनके विचार से असहमत होते हुए समिति ने कहा नहीं, अभी उत्तराखंड के कम परिप्रेक्ष्य में समिति मुतमईन है कि यहाँ यूसीसी लागू होनी चाहिए और समिति ने उसके विपरीत अपना मत प्रकट किया। चैप्टर 10 कोड के सेलेंट फीचर्स के बारे में, उसके बारे में चूंकि कोड ऑलरेडी प्रख्यापित हो चुकी है मैं नहीं कहना चाहूंगा कुछ। चैप्टर 11 रिकमेंडेशन के बारे में है। रिकमेंडेशन में दो बातें कही गई हैं। एक बात तो ये कही गई कि जो फील्ड विजिट में बहुत सारे सजेशन आए थे, कई प्रकार के सजेशन थे, मैं भी बताऊंगा, दो तीन मोटी बात आपके सामने रखूंगा। उसमें जो बातें उठाई गई हैं, राज्य सरकार इसका संज्ञान ले, राज्य सरकार यहां बैठी हुई है, मैं इनके निगाह में भी ला रहा हूं कि राज्य सरकार उसका संज्ञान ले और उस पर कानूनी कार्रवाई अलग से करे। ठीक है, जो बहुत सारे कुछ चीजें कमेटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर थी, कुछ पे कमेटी सहमत नहीं थी लेकिन राज्य सरकार पे छोड़ दिया। दूसरी जो बड़ी बात उन्होंने कही, वही जेजे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत उन्होंने कहा कि इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड कीजिए। इसमें कई सजेशंस कमेटी ने प्रस्तुत की हैं जिसको आप उस चैप्टर में देख सकते हैं, और ये कहा कि इसको एक्सपैंड करते हुए इसको एक सेकुलर लॉ का जमा पहनाइए और उसके अंतर्गत सभी लोगों को अडॉप्शन अनुमन्य कीजिए। ये बात तो हो गई मुख्य रिपोर्ट। इसके अलावा जैसा मैं कह रहा था वॉल्यूम 3 जिसको मैं कह रहा था ना प्रैक्टिकल, वो तो थ्योरी हो गई, प्रैक्टिकल 3 जो है वॉल्यूम 3, ये रिपोर्ट 206 पेजेस की है और इसमें जो हम लोगों ने फील्ड विजिट की थी या जो सुझाव मांगे थे उसके बारे में चर्चा है। इसमें प्रोलॉग और एपिलॉग को अगर छोड़ दें तो कुल 6 चैप्टर्स हैं और बेसिकली इसमें यह कहा गया